तो हम लोग डिस्कशन में देखते हैं बिहार दरोगा, बिहार एसएससी का जीके जीएस बहुत ही बेहतरीन शानदार आपका मिलेगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी देखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल टेराकोटा मतलब समझते हैं पक्की मिट्टी, पक्की मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, पक्की मिट्टी को टेराकोटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सब लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अब तक थोड़ा वीडियो को ग्रुप में हम डाल देते हैं, दो चार दस गो लाइकन जरा देखता है तब। ठीक रहता है, तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल टेराकोटा, हल टेराकोटा के मतलब पक्की मिट्टी का हल, पक्की मिट्टी का हल का प्रमाण कहाँ से मिला है ये आपको बताना है। तो देखिए, जो भी आपका प्रमाण मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग क्षेत्र से, वो प्रमाण आपका इम्पोर्टेड है एग्जाम के लिए। जैसे मातृदेवी का मूर्ति, मातृदेवी का मूर्ति जो है ने वो हड़प्पा से मिला है, मातृदेवी का मूर्ति हड़प्पा से मिला है, लेकिन सर्वाधिक मातृदेवी का मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है, सर्वाधिक मातृदेवी का मूर्ति मोहनजोदड़ो से। ठीक है, यहाँ पर पक्की मिट्टी का हल तो बनवाली हो जाएगा, बनवाली दो नंबर, बनवाली से पक्की मिट्टी का हल का प्रमाण मिला है। देखिए, बृहद अन्नागार बोले तो बृहद अन्नागार का प्रमाण मोहनजोदड़ो से, खाली अन्नागार बोलेगा तो अन्नागार का प्रमाण हड़प्पा से मिला है, अन्नागार का प्रमाण हड़प्पा से मिला है और बृहद अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, बृहद अन्नागार मोहनजोदड़ो, अन्नागार हड़प्पा से मिला है, इसको भी याद रखिएगा थोड़ा। यहाँ पर देखिए, इसमें आइए, कुम्हार का चाक, श्रमिक का वास, अन्नागार, तांबा का स्केल, मातृदेवी का मूर्ति, ईट का चबूतरा, पक्की मिट्टी, गद्धा की हड्डी, सब हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से। सूती कपड़ा, कांस की बनी नर्तकी की मूर्ति, शिव का स्केल, पशुपति शिव, हाथी का खोपड़ी, बृहद अन्नागार, बृहद स्नानागार, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। बंदरगाह, युगल समाधान, मेसोपोटामिया का मुहर, शतरंज, चावल का प्रमाण लोथल से, लोथल से। सिंगार बॉक्स, ईट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का पैर, चन्हुद्रो से मिला है। अलंकृत ईट, एक साथ दो फसल, जुता हुआ खेत, अग्नि कुंड, हवन कुंड, मिट्टी का बना घड़ा, कलीबंगा से। जाली नुमा सड़कें काटती थी बनवाली की, रथ गाड़ी का प्रमाण बनवाली से, पक्की मिट्टी का हल बनवाली से, मिट्टी का बर्तन भी बनवाली से, मिट्टी का बर्तन बनवाली से। ठीक है, मनुष्य के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण रोपड़ से, धान का भूसी गेहूं का प्रमाण रंगपुर से, घोड़ा की हड्डी सुरकोटता से, विकसित सैंदव सभ्यता सुतका गेंडोर से, उन्नत जल प्रबंधन यानी तालाब का प्रमाण धौलावीरा से, और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था। ऐसे मोहनजोदड़ो है लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। तो ये है प्रमाण, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, सांची का स्तूप खोज किसने किया? सांची के स्तूप का खोज बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। सांची के स्तूप का खोज 1818 में किया गया था, और कौन किया? तो जनरल टेलर ने किया था। जनरल टेलर ने सांची के स्तूप का खोज किया था 1818 में, ठीक है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और सांची का स्तूप को कौन बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप आपका कौन बनवाया? अशोक बनवाया था। मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप, इसको ध्यान रखना है। जेम्स प्रथम जो है कौन था? जेम्स प्रथम बताइए, अशोक के शिलालेख को पढ़ा था कौन? जेम्स प्रिंसेप खोज किया था टी पैंथला। तो जेम्स प्रथम नहीं, जेम्स प्रिंसेप होना चाहिए। अशोक के शिलालेख को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। ग्रिफिथ टेलर जो है एक इतिहासकार है। नवनीतिवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर है। नवनीतिवाद विचारधारा के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर। और अशोक शासक था, ठीक है। अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा किसे मिला था? डेरियस प्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक था। डेरियस प्रथम था। आगे, अंग्रेजों रैयतबाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी व्यवस्था मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी, चार नंबर, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। और एक है रैयतबाड़ी बंदोबस्त, और एक है महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक ने। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश भूभाग के 19% भूमि पर लागू हुआ था, और अस्थाई बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर ने तैयार किया था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना तैयार किया था, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। रैयतबाड़ी व्यवस्था का पिता थॉमस मुनरो, और ये ब्रिटिश भूभाग के 51% भूमि पर लागू हुआ था। रैयतबाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी प्रथा का पिता हॉल्ट मैकेंजी को महलवाड़ी प्रथा का पिता, और ब्रिटिश भूभाग के 30% भूमि पर लागू हुआ था। महलवाड़ी प्रथा को लागू किया गया था, और महलवाड़ी प्रथा पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाका में लागू हुआ था। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाका में महलवाड़ी प्रथा को लागू किया गया था, ठीक ने। तो यहाँ पर सही आंसर क्वेश्चन का क्या होगा?
चार नंबर आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के प्रथम आपका पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय आपका कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। और कांग्रेस के स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कांग्रेस नाम कौन दिया था? नाम देने का काम किए थे दादा भाई नौरोजी। पहले इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम कौन दिया? दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखना है, कांग्रेस में इंडियन एसोसिएशन का विलय कब किया गया? 1886 कोलकाता अधिवेशन, इंडियन एसोसिएशन का विलय कर दिया गया कांग्रेस में। ध्यान रखना है, इंडियन एसोसिएशन का विलय कर दिया गया कांग्रेस में, यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको याद रखना है। ये हो गया बदरुद्दीन तैयब जी, चार नंबर। यहीं पर याद रखिएगा, कांग्रेस के दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्ला स्यामी था। कांग्रेस के दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। चलिए आगे, यहां पर देखिए, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं कौन कहा था? बकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध था, कौन कहा? सर सैयद अहमद खान। कांग्रेस सम्मेलन तीन दिन का तमाशा है, कौन कहा? अश्विनी कुमार दत्त। वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, कौन कहा? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस मौत की घड़ी गिन रहा है, कौन कहा? लॉर्ड कर्जन। यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टटराएं तो कुछ नहीं मिलेगा, कौन कहा? बाल गंगाधर तिलक। और कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है, कौन कहा? अरविंद घोष बोले थे। और कांग्रेस सम्मेलन तीन दिन का तमाशा है, कौन कहा? अश्विनी कुमार दत्त। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? रॉलेट एक्ट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट को लागू कब किया गया था? तो 18 मार्च 1919 को लागू किया गया था। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया, ठीक ने? रॉलेट एक्ट को काला कानून कौन कहा था? महात्मा गांधी जी बोले थे। रॉलेट एक्ट को काला कानून की संख्या महात्मा गांधी दिए थे, ठीक ने? महात्मा गांधी, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, ध्यान रखना है। आगे, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे बताइए?
कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, किसान सभा। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तीन नंबर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना जयप्रकाश नारायण 1934 में मुंबई में किए थे, मुंबई में किए थे 1934 में, ठीक है। कांग्रेस पार्टी बताइए दिए एओहम के द्वारा 1885 में। कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना एमएन राय के द्वारा किया गया था, एमएन राय के द्वारा, एमएन राय के द्वारा 1925 में किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी। किसान सभा, तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुआ था, स्वामी सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती ने किए थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे, ये आपको ध्यान रखना। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किया गया था किसान सभा की स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, अखिल भारतीय किसान सभा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से त्याग पत्र कब दिए थे? 1939 में। किस अधिवेशन में? त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। कांग्रेस के सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे लंबा समय था। पट्टाभी सीतारमैया त्रिपुरा अधिवेशन में गांधी जी इसका समर्थन कर रहा था, पट्टाभी सीतारमैया को। और गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के बीच आपका जो है वोट हुआ था, उस वोट में सुभाष चंद्र बोस के समर्थक सुभाष चंद्र को वोट दिया और गांधी जी के समर्थक गांधी जी को, यानी पट्टाभी सीतारमैया को वोट दिया। लेकिन जीत किसका हुआ? तो जीत हुआ आपका सुभाष चंद्र बोस का। और सुभाष चंद्र बोस जीतने के बाद त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता किए, तब ने गांधी जी के साथ और सुभाष चंद्र बोस के बीच मनमुटाव हो गए, दोनों के बीच आपका जो है विवाद हो गया। इस कारण से सुभाष चंद्र बोस आपका कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया सुभाष चंद्र बोस, तो कितना वोट से पराजित किया था? तो 203 वोट से पराजित किए थे, 203 वोट से। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को त्रिपुरी अधिवेशन में कितना वोट से पराजित किए थे? 203 वोट से, ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? साइमन कमीशन के रिपोर्ट था। साइमन कमीशन का स्थापना कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, 8 नवंबर 1927 को हुआ था। और साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को भारत आया। और साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट दिया 1930 में, अपना रिपोर्ट दिया
साइमन कमीशन में कितने सदस्य था? 7 सदस्य था और सातों अंग्रेज था, सातों अंग्रेज था साइमन कमीशन में, ठीक है। चलिए कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया था, 22 मार्च 1942 को भारत आया क्रिप्स मिशन, रॉलेट एक्ट 1919 में। आगे निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी कब नहीं? कराची अधिवेशन 1931, जिसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन? इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और कांग्रेस का इतिहास के लेखक पट्टाभि सीतारमैया, कांग्रेस, कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक पट्टाभि सीतारमैया, पट्टाभि सीतारमैया। भारत का खोज, भारत का खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, खोज के लेखक जवाहरलाल नेहरू। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी, ठीक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का इकाई आपसे पूछ रहा है, विद्युत शक्ति का इकाई वाट हो जाएगा, वाट। एम्पियर विद्युत धारा, एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है। वोल्ट विद्युत गति, विद्युत गति का मात्रक है या विभव का मात्रक है? वोल्ट विभव या विभव। कूलम्ब आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक कूलम्ब है, आवेश का मात्रक कूलम्ब है। अपवर्तनांक मात्रक नहीं है, विकृति और अपवर्तनांक, विकृति और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, मात्रक नहीं होता है विकृति अपवर्तनांक का मात्रक। दाब का मात्रक पास्कल, दाब का मात्रक पास्कल होता है, पास्कल। बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन, ठीक है। एक होता है प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक का मात्र, प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या यंग गुणांक का मात्रक, यंग गुणांक का मात्रक भी यही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यंग गुणांक या प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक होता है, ठीक है। यंग गुणांक या प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक होता है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? परमाणु नाभिक के अवयव है, परमाणु के नाभिक के अवयव है कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये हो गया परमाणु, ये हो गया परमाणु और ये हो गया परमाणु का नाभिक, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा,
और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर आपका एंटी क्लॉक दिशा में चक्कर लगाते रहेगा, एंटी क्लॉक दिशा में। ये परमाणु की त्रिज्या जो होता है ने 10^-10 मीटर होता है, और ये जो नाभिक का त्रिज्या होता है ये 10^-15 मीटर होता है नाभिक का त्रिज्या। परमाणु का खोज कौन किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने किया था और परमाणु के नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड। नाभिक का खोज किया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया। इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज किया रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का खोज किया जेम्स चैडविक। यहाँ पर सही आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन आपका सेरीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन आपका एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। और हॉर्टिकल्चर, फल का खेती हॉर्टिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर, फूलों का खेती फ्लोरिकल्चर। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी ध्यान रखना है। यहाँ पर सेरिकल्चर रेशम कीट, और रेशम की प्राप्ति किससे होता है? रेशम कीड़ा के प्यूपा से होता है, ठीक ने। रेशम की प्राप्ति रेशम कीड़ा के प्यूपा से होता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है, और रेशम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? चीन है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन हो जाएगा, चीन ध्यान रखिएगा। सही आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 नंबर। आगे, भारतीय संविधान सभा गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, सी नंबर। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? गलत मिलान का चुनना है। मौलिक अधिकार से सही है, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से सही है, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से गलत है, दक्षिण अफ्रीका से। प्रस्तावना में न्याय रूस से सही है, तो गलत कौन मिला? सी नंबर गलत हो जाएगा, और इसका क्वेश्चन का सही आंसर सी ही जाएगा। ठीक ने। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से, प्रस्तावना की रचना अमेरिका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति करेगा जर्मनी से, राज्यपाल का पद आपका कनाडा से लिया गया है, संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया, संघीय प्रणाली, ये सब याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है संविधान के स्रोत से। आगे, निम्नलिखित में से कौन से विषय में को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में नहीं रखा गया था? परिवार नियोजन, जनसंख्या ने पक्षियों की सुरक्षा, आर्थिक नियोजन इसका आंसर हो जाएगा। आर्थिक नियोजन को नहीं रखा गया था, ठीक है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो 42वां संशोधन हमारा लघु संविधान था, इसको लघु संविधान कहा जाता है।
लघु संविधान। इसके द्वारा संविधान में दो नए भाग 4 का क और 14 का क जोड़ा गया, 9 नए अनुच्छेद शामिल किया गया, 52 अनुच्छेद में संशोधन किया गया। संविधान के प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता, अखंडता। 31 के ग जोड़कर प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, और नीति निर्देशक तत्व में 3 अनुच्छेद को जोड़ दिया गया, 39 का क 43 का क 48 का क। 39 का क में समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी 43 का क, पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा 48 का क, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। और 74 में यह व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। वन, संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, जीवों पक्षियों की सुरक्षा, मापतौल आदि विषयों को समर्थित सूची में डाल दिया गया, समर्थित सूची में। विधानसभा लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष के जगह पर 6 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 352 में तहत आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति पूरे देश में कर सकता है, इस बात को भी लागू कर दिया गया। तो ये आपका 42वां 1976 में लघु संविधान के नाम से राष्ट्रपति द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है? अनुच्छेद 222, मतलब राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक राज्य के उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने का शक्ति 222 में। 214 में राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, 214 में। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति की चर्चा 217 में। और 231 में दो या दो से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय होगा, दो या दो से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा 231 में। 231 में तो राज्य का उच्च न्यायालय 214, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति 217, और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा 231 में। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साई चिन्ह का भाग है? लद्दाख पठार, लद्दाख पठार हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? मिलान गलत है पर्वत चोटी और ऊंचाई दिया हुआ है। अनाई मुंडी 2695, अमरकंटक 1048, दोदा बेटा 1326, महेंद्रगिरी 1501, कौन गलत है बताइए? यहाँ पर गलत हो जाएगा बाबू दोदा बेटा। दोदा बेटा की ऊंचाई जानते हैं कितना है? 2637 है। दोदा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है, यही आंसर हो जाएगा, 2637 मीटर। तो गलत चुनना था, गलत कौन मिल गया? सी नंबर हो गया, गलत हमारा सी नंबर हो गया। ठीक है, नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी है कौन जी? नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा हो जाएगा। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताइए? धूपगढ़ी, धूपगढ़ी हो जाएगा। और बिंध्य पर्वत की ऊंची चोटी, बिंध्य पर्वत की ऊंची चोटी अमरकंटक हो जाएगा, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी हो जाएगा, महेंद्रगिरी। और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी हो जाएगा, अनाई मुंडी, अनाई मुंडी हो गया। ठीक है, अनाई मुंडी।
अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, सैडल पीक। और सैडल पीक कहाँ है? तो आपका उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में है सैडल पीक। ये आपको ध्यान रखना है, उत्तरी अंडमान में हो जाएगा सैडल पीक, ठीक ने? सैडल पीक उत्तरी अंडमान में, ठीक है? इसको याद रखना दोस्त, एग्जाम में काम देगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, ये सब फेमस क्वेश्चन है। जीके जीएस आपका 12 बजे से सेट मारिएगा तो बिहार एसएससी का भी जीके तैयारी होगा। ऐसा नहीं कि सब जीके जीएस अलग है, सबका सेम है। किसी में जीके जीएस का संख्या ज़्यादा है तो किसी में कम है, किसी में साइंस का संख्या ज़्यादा है तो किसी में आपका जीके का संख्या ज़्यादा है, आर्ट्स का संख्या ज़्यादा है, अंतर यही है, पढ़ना सेम चीज़ है, ध्यान रखना है। चलिए आगे, यहाँ पर ऊंचाई दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जिस बिलियन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे बिलियन को निम्नलिखित में से क्या कहें? संतृप्त बिलियन एक नंबर हो जाएगा, और घोला जा सके असंतृप्त बिलियन। चलिए यहां पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है। एक में कह रहा है पेंडुलम घड़ियों का आवर्तकाल गर्मियों में घट जाता है। दो में कह रहा है यह समय अंतराल जिसके बाद पूर्व गति को दोहराया जाता है उसे परिचालित आवृत्ति कहा जाता है। पूर्व गति को दोहराता है तो गति को दोहराता है तो बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहेंगे। समय अंतराल जिसके बाद पूर्व गति को दोहराता है तो आवर्तकाल हो जाएगा, और दूरी को तरंग दैर्ध्य कहेंगे। यहाँ पर आपका दोनों गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों के दिन में पेंडुलम घड़ी का आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ेगा तब लोलक घड़ी सुस्त होगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसको आवर्तकाल कहेंगे। तो यहाँ पर यह भी गलत और ये भी गलत। उपरोक्त कथन में से सही कथन का चुनाव करें। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। आंसर क्या हो जाएगा? चार नंबर हो जाएगा। पेंडुलम का आवर्तकाल जो होता है ने, वो आवर्तकाल का फार्मूला होता है, आवर्तकाल का फार्मूला होता है टी बराबर 2π, टी बराबर 2π अंडर रूट एल बटा जी, जहाँ पर टी जो होता है समानुपाती अंडर रूट एल होता है और टी व्यतिकानुपाती अंडर रूट जी होता है, अंडर रूट जी। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, तो गर्मी के दिन में लोलक घड़ी का लंबाई बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाता है, और शीत ऋतु में ठंडा के मौसम में लंबाई घट जाता है, और लंबाई घटने से आवर्तकाल घट जाता है, लंबाई घटने से आवर्तकाल घट जाता है तो लोलक घड़ी तेज हो जाता है, ठीक है? ये फार्मूला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किस पदार्थ का उपयोग नहीं होता? हीलियम। पानी D2O ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, हीलियम का नहीं। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के किस समस्थानी के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है? देखिए H11, H12 और H13, इसमें न्यूट्रॉन बोलेगा तो 1-1=0, इसमें न्यूट्रॉन मिलेगा 2-1=0, 2-1=1, इसमें न्यूट्रॉन बोलेगा 3-1=2। तो किसमें कोई आपका न्यूट्रॉन नहीं है? एक में, एक वाला फिगर में। इसको प्रोटियम कहा जाता है, इसको ड्यूटेरियम और इसको टाइट्रियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम टाइट्रियम। तो किसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है? प्रोटियम।
प्रोटियम बोले तो एक नंबर, एक नंबर। हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश किया था और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन होता है, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ड्यूटेरियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है, भारी जल बनाता है, और भारी जल को गुरु जल कहा जाता है, भारी जल को गुरु जल कहा जाता है, ठीक है। चलिए बताना है, निम्नलिखित में से बॉयल का नियम पर आधारित है, तापमान आयतन पर, दाब आयतन पर, आयतन मात्रा पर और दाब तापमान पर, बताइए संबंध पर है। तो देखिए बॉयल्स का नियम में टेम्परेचर को अस्थिर कर दिया जाता है, टेम्परेचर को अस्थिर। फार्मूला होता है पी वी बराबर एन आर टी, एन तो पहले से अस्थिर है, नंबर ऑफ मोल है, आर भी अस्थिर है, गैस नियतांक है, और टी को अस्थिर कर दिया गया है। तो देने आपका तीनों क्या हो गया, पी भी बराबर के हो गया, तो पी बराबर के बट्टा भी हो गया। अब के को हटाएंगे तो समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा, पी व्यतिकानुपाती भी हो गया, तो संबंध बीच मिला पी और भी के बीच, दाब और आयतन के बीच। दाब आयतन कहाँ है, दो नंबर, दो नंबर करेक्ट आंसर जाए, ठीक है, दो नंबर। चार्ल्स का नियम में प्रेशर को अस्थिर करेंगे तो वॉल्यूम और टी के बीच समानुपाती मिलेगा। गेलोसोक का नियम में वॉल्यूम को अस्थिर करेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच समानुपाती मिलेगा। निम्नलिखित में से फसलों की प्रजाति में संबंध मिलान गलत है, तो तीनों सही है, कोई गलत नहीं है, चार नंबर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969, चार नंबर, 19 जुलाई 1969। कौन से समिति के सिफारिश पर, तो हजारी समिति के सिफारिश पर, हजारी समिति के सिफारिश पर, ठीक है। और दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 15 अप्रैल 1980 दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980, ठीक है, और पहली बार 19 जुलाई 1969, हजारी समिति के सिफारिश पर पहली बार, पहली बार ऐसा बैंक, पहली बार कितना बैंक, पहली बैंक, पहली बार 14 बैंक और दूसरी बार 6 बैंक, पहली बार 50 करोड़ पूंजी वाला बैंक हो और दूसरी बार 200 करोड़ पूंजी वाला बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का काम नहीं है, बैंकों की तरलता का नियंत्रण करना है, मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना है, बैंकों का बैंक करना है, आर्थिक नीति जारी करना नहीं, आर्थिक नीति वित्त मंत्रालय का काम है, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय का काम है आर्थिक नीति जारी, चार नंबर हो जाएगा, आर्थिक नीति आपका वित्त मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन अस्थिकरण में सहायक नहीं है, सभी दलहनी पौधा नाइट्रोजन अस्थिकरण का काम करता है जी, दलहनी पौधा ही काम करता है, इसमें कौन दलहनी पौधा नहीं है, धान, धान दलहनी पौधा नहीं है। नाइट्रोजन अस्थिकरण के मतलब होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का क्रिया, पेड़ पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में लेने का क्रिया को नाइट्रोजन अस्थिकरण कहते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अस्थिकरण का काम कौन नहीं करेगा, धान काम नहीं करेगा, धान। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, बताना है।
डेसीबल ध्वनि की प्रबलता का इकाई है जी। अश्वशक्ति शक्ति का सही है। समुद्री मील नौ संचरण की दूरी का सही है। सेल्सियस उष्मा का मात्रक जूल होता है। सेल्सियस तापमान का होता है जी, तापमान का होता है, ठीक है, इसका जूल होता है। चार नंबर हो जाए। उष्मा का जूल पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? संवेग P बराबर mv होता है। करें संवेग और वेग का अनुपात निकालना है तो P और वेग v, तो बच गया क्या m, उधर बच गया m, तो बच गया m, तो क्या आपका निकला m निकला। संवेग और वेग के अनुपात से क्या निकला? v को इधर लेके आ गए तो P बटा भी से क्या बच गया? M बच गया, द्रव्यमान हो जाएगा। तीन नंबर, संवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है या संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है? ये भी संवेग का मात्रक है। और संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के दूसरा गति के नियम को कहते हैं। न्यूटन को सेकेंड लॉ को संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और संवेग आवेग की परिभाषा न्यूटन के सेकंड नियम से मिलता है, सेकंड लॉ से संवेग आवेग की परिभाषा मिलता है। मानवीय शरीर का भार होता है ध्रुव पर सबसे अधिक, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। और मनुष्य का भार जो होता है W बराबर mg होता है, भार W बराबर mg, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भार ध्रुव पर और सबसे कम भार विषुवत रेखा पर। अगर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो भार बढ़ता है, और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो भार घटता है। और पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ाते हैं तो ध्रुव को छोड़ करके पृथ्वी के सभी बिंदु पर वस्तु का भार घट जाता है। उल्टा, घूर्णन गति बढ़ाइएगा तो भार घटेगा, घूर्णन गति घटाइएगा तो भार बढ़ेगा। लेकिन कहाँ पर छोड़कर? ध्रुव को छोड़ करके ये आपको ध्यान रखना है। ध्रुव को छोड़ करके आपको होता है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मानवीय शरीर का भार होता है कहाँ पर? ध्रुव पर अधिकतम। अच्छा, भार सदिश राशि की अदिश राशि? भार कौन सी राशि? सदिश राशि, सदिश है, भार सदिश है। और भार का मात्रक न्यूटन होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक ने, भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन भार का मात्रक है, ठीक है। चलिए आगे। ऐसा निकाय जिसमें निकाय एवं परिवेश के मध्य उष्मा का प्रवाह नहीं होता है क्या कहलाता है? रुद्धोष्णी निकाय। दो नंबर, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? मैथिल अल्कोहल, एक नंबर, वुड स्पिरिट के नाम से। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, शुष्क सेल में विद्युत अपघटन क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड। और सीसा संचालक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल और मैग्नीज डाइऑक्साइड भी होता है। वोल्टीय सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड। शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है बताइए? कैथोड तांबा का बना होता है, जस्ता का बना होता है, कैथोड जस्ता का। और एनोड किसका बना होता है? एनोड कार्बन के छड़ का एनोड बना होता है।
सुख सेल का एनोड कार्बन के छड़ का बना होता है। सूखा सेल, सूखा सेल कैसा सेल है? प्राथमिक सेल है। गोल कृमि से आपका होने वाला रोग फाइलेरिया, फाइलेरिया फ्लोरेसिस नामक रोग, दांत सड़ जाएगा, इसमें दांत पूरी तरह से खराब हो जाएगा। फ्लोराइड की अधिकता वाले जल को पीने से फ्लोरेसिस नामक रोग होता है। इनसे फ्लाइटिस नामक रोग मस्तिष्क में होता है, और कुष्ठ आपका जानवे करते हैं त्वचा में होता है। चलिए, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, क्या है? एक अमीनो अम्ल ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। आगे, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? लगभग 28, लेकिन यहाँ पर 28 नहीं है तो 27.7। और मैदानी भाग कितना है? मैदानी भाग 43%, मैदानी भाग आपका 43%, पर्वतीय भाग 29% और 28% भाग आपका पठारी है, ध्यान रखना है। मैदानी भाग 43, 29 आपका पर्वतीय और 28% लगभग 27.7 आपका जो पठार है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है ये आपको चुनना है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षा, वेद रूपी शरीर का मस्तिष्क सही है। कल्प, वेद रूपी शरीर का कान, हाथ ने जी, कल्प जो होता है वेद रूप का हाथ होता है, हाथ, कान नहीं, हाथ होता है, कान तो कोई होता ही नहीं है। निरुक्त नाक, ज्योतिष आंख, ये भी सही है। गलत कौन मिला? दो नंबर, ये सब वेदांग है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और एक निरुक्त, और एक हो गया शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, एक और कौन होता है? व्याकरण। व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त हो गया, छंद, व्याकरण, वेद उपनिषद का मुख होता है व्याकरण, तो व्याकरण हो गया। तो ये वेदांग है, वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए जिसका रचना किया गया उसी का नाम है वेदांग। वेदों को भली भांति समझने के लिए जिसका रचना किया गया उसी का नाम है वेदांग। वेदांगों की संख्या 6 है और वेदों की संख्या 4 है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहर का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? नहर का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक, 4 नंबर। लेकिन नहर का जाल कौन बिछाया था? नहर का जाल बिछाया था फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक नगर बसाया था फिरोज शाह तुगलक, सर्वाधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, और सर्वाधिक फिरोज शाह तुगलक, सर्वाधिक दासों की संख्या रहता था फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक जो था 2 बार राज्यभिषेक करवाया था, और अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही को लिखा था फिरोज शाह तुगलक। अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही को लिखा था कौन? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक पगला बादशाह, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का गठन मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इल्तुतमिश, मदरसा निर्माण शैली का जनक इल्तुतमिश, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? इल्तुतमिश थे, ध्यान रखना है। एकता व्यवस्था को लाया था इल्तुतमिश, चालीसा दल को लाया था इल्तुतमिश, चालीसा दल का शुरुआत किया इल्तुतमिश, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा, नहर का निर्माण पहली बार कौन करवाया? गियासुद्दीन तुगलक। आगे, निर्मेष कौन सा कथन असत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब गलत है। दीवाने अर्धसैन्य विभाग सही है, दीवाने इंसा शाही पत्राचार सही है, दीवाने रसातल बाजार विभाग
विदेश विवाह, ध्यान रखना दीवान रसातल, रियासत है दीवान रियासत है बाजार विवाह, दीवान रियासत कोतवाल पुलिस, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत है। अच्छा बताइए दीवान ए खैरात कौन सा विभाग था? दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात बताइए, दीवान ए खैरात दान विभाग, दान विभाग था, दान विभाग। और दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान कौन सा विभाग था? दास विभाग था, दास विभाग था, दीवान ए बंदगान दास विभाग। और दारुल सप्पा कौन सा विभाग? दारुल सप्पा चिकित्सा विभाग था, ठीक ने, चिकित्सा विभाग था, सब याद रखिएगा। चलिए भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देश क्रमशः नेपाल भूटान और चीन से मिलती है? तो मैप में बनेगा, मैप से सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। चलिए कृषि लागत एवं कीमत आयोग का स्थापना कब हुआ? 1965, 1965। कोयली परियोजना की स्थापना किस देश की सहायता से हुआ था? रूस की सहायता से, कोयली परियोजना रूस की सहायता से। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह, राजा दलीप सिंह। और सिख राज्य का प्रथम शासक रंजीत सिंह था। रंजीत तीसरी का राजधानी लाहौर था। सुरचकिया मिसल से संबंधित था रंजीत सिंह, सुरचकिया मिसल से राजा रंजीत सिंह। 1839 के आसपास उसका देहांत हो गया था रंजीत सिंह का, ठीक ने, राजा रंजीत सिंह, लाहौर राजधानी था, ठीक है। अच्छा सिख युद्ध कै गो हुआ था? कै गो सिख युद्ध? दो गो। प्रथम सिख युद्ध 1845 से 46 और दूसरा सिख युद्ध 1848 से 49, दूगो सिख युद्ध हुआ था। और 1849 में पूरी तरह से सिख साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। यही बिहार दरोगा पीटी में आया था कि सिख साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय कर लिया गया? 1849। थोड़ा सा घर पर एनसीईआरटी को रीडिंग दीजिए, एनसीईआरटी को पढ़िए, एकदम गौर से पढ़िए, एकदम ध्यान पूर्वक पढ़िए। अगर आपको दरोगा निकालना है, बीपीएससी निकालना है, कुछ बड़ा करना है, तो एनसीईआरटी को रीडिंग दीजिए। हर एक पॉइंट पर गौर कीजिएगा, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, तभी निकलेगा, ऐसे नहीं। एग्जाम बहुत टफ हो गया है। नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति का स्थापना 1991 में हुआ था, ठीक है। बैंकिंग सेवा सुधार से था, बैंकिंग संरचना में सुधार से था, बैंकिंग संरचना में सुधार से था। उच्च शिक्षा में सुधार से कोठारी समिति था, शिक्षा से सुधार से कोठारी समिति। कर संरचना में सुधार से राजा चिलैया समिति, राजा चिलैया समिति कर संरचना में सुधार से था, राजा चिलैया समिति, ध्यान रखना। अच्छा जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला न जी, प्रतिभूति घोटाला, प्रतिभूति घोटाला, ध्यान रखना है। एक है अबीद हुसैन समिति, अबीद हुसैन समिति, अबीद हुसैन समिति लघु उद्योग, लघु उद्योग अबीद हुसैन समिति। बहुत सारा समिति है, 50 गोबर समिति है, सब याद करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए।
ग्रेट ओरिजिन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में। दो नंबर, ग्रेट ओरिजिन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद चीन, चीन के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, भूटान के बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान स्थलीय सीमा को छूने वाला देश, सात गो देश। निम्नलिखित में कौन सा एक मरुस्थल देश है? कौन? हंगरी, हंगरी मरुस्थल देश है। गॉड पार्टिकल है हिंग्स बोसॉन, हिंग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है, हिंग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है, ठीक है, गॉड पार्टिकल के नाम से हिंग्स बोसॉन को। न्यूट्रिनो का खोज कौन किया था? न्यूट्रिनो का खोज जेम्स पॉली ने किया था, जेम्स पॉली, जेम्स पॉली ने किया था। हिंग बोसोन का खोज कौन किया था? बोसोन, सत्येंद्र प्रसाद, सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। मेसोन का खोज कौन किया था? युकावा, मेसोन का खोज युकावा। पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया? एंडरसन, एंडरसन पॉजिट्रॉन का खोज किया, एंडरसन पॉजिट्रॉन का खोज किया। लेकिन कहेगा फोटोन का खोज कौन किया? फोटोन का खोज आस्टिन किया, आस्टिन, आस्टिन जो है फोटोन का खोज किया, अल्बर्ट आस्टिन। गामा किरण का खोज कौन किया? गामा किरण पॉल बिलार्ड, पॉल बिलार्ड। एक्स किरण रॉन्डजन, प्रबैंगनी किरण डीटर, दृश्य किरण न्यूटन, अवरक्त किरण विलियम हर्सेल, लघु रेडियो हेनरी हर्ट्ज़, लघु रेडियो हेनरी हर्ट्ज़, दीर्घ रेडियो मार्कोनी, अल्फा किरण, अल्फा किरण रदरफोर्ड, बीटा किरण रदरफोर्ड, गामा किरण पॉल बिला, अल्फा बीटा रदरफोर्ड, सब याद रखिएगा। तो गॉड पार्टिकल हिंग्स बोसॉन को कहा जाता है, दो नंबर करेक्ट आंसर हो जाए, हिंग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल। यूनेस्को को तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? कोपेनहेगन, कोपेनहेगन 1995 में हुआ था, कोपेनहेगन। नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है, तो नाफ्टा में तीन ही देश है, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, और नाफ्टा गठन 1994 में हुआ था, 1994 में नाफ्टा आया था, ठीक है, अस्तित्व में आया था। विश्व का सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी पैलेस किस देश में है? इटली में है, इटली में है। विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है? चिंपैंजी है, चिंपैंजी, चिंपैंजी। स्विट्जरलैंड के संसद का नाम क्या है? फेडरल असेंबली, चार नंबर, फेडरल असेंबली, ठीक है। कांग्रेस किस देश का संसद का नाम है? यूएसए, कांग्रेस। ग्रैंड नेशनल असेंबली किस देश के संसद का नाम है? तुर्की, तुर्की के संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली, तुर्की। पार्लियामेंट, भारत, भारत के संसद का नाम है पार्लियामेंट या संसद, भारत, ठीक है। जातीय संसद, बताइए
जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है? जातीय जातीय बांग्लादेश। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल के संसद का नाम है, ठीक नहीं? राष्ट्रीय पंचायत नेपाल के संसद का नाम है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का नियुक्ति जो है ये महासभा द्वारा किया जाता है, महासभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? कार्यकाल इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, महासचिव का कार्यकाल। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मेन न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष जो होता है उसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष का कार्यकाल। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जो होता है उसका कार्यकाल 9 वर्ष होता है, 9 वर्ष होता है। और सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य देश 10 गो होता है उसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है, सुरक्षा परिषद का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, सुरक्षा परिषद, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ पहले है राष्ट्र संघ, देखिए अगर कहेगा राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था तो 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, ठीक है। फिर कहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ UNO इसका गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को UNO का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। UNO का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ध्यान रखना है। इसके बाद महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे बताइए? ट्रिगवेली कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहला महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे, नॉर्वे के थे, ये आपको ध्यान रखना है, ट्रिगवेली। और वर्तमान समय में एंटोनियो गुतेरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बेनिगल रामाराव, सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, बेनिगल रामाराव, ठीक है, बेनिगल रामाराव। अगला क्वेश्चन, आसियान की स्थापना कब हुआ था? 8 अगस्त 1967, 2 नंबर। इसमें सदस्य देश देखिए, सदस्य देश आपका जो है थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, कंबोडिया शामिल है। इसका स्थापना बैंकॉक में किया गया था, थाईलैंड के बैंकॉक में 8 अगस्त 1967 को, मुख्यालय जकार्ता में है। बताइए कौन गलत है, साइप्रस निकोसिया सही है, हांगकांग विक्टोरिया सही है, गुआम अगाना सही है, ओमान का मस्कट, ओमान की रहती मस्कट, मस्कट है बेरूत नहीं, मस्कट 4 नंबर गलत है, 4 नंबर गलत है,
ओमान की राजधानी मस्कट, ठीक है। चलिए, जहां पनाह नगर का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तीन नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक था? औरंगजेब के काल में। औरंगजेब, ठीक है, हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगजेब। दो बार राज्याभिषेक करवाने वाला औरंगजेब। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है बताइए? कहाँ? कोलकाता। कोलकाता हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल का मैदान जो है खेल पटियाला में है। देखिए हवाई अड्डा में देखिए, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई हवाई अड्डा गुवाहाटी, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली, दाबोलीम हवाई अड्डा गोवा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, शेख अला आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, मंगलूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलौर, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। पूछता है देवी अहिल्याबाई वाला, कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, जवाहर नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय अड्डा वाराणसी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, बीजू पटनायक भुवनेश्वर, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ड्रैंकेन्सबर्ग पर्वत कहाँ है? ड्रैंकेन्सबर्ग पर्वत कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। एटलस पर्वत भी अफ्रीके महाद्वीप में है। एटलस पर्वत, अच्छा बताइए एपेनाइन पर्वत कहाँ है? एपेनाइन पर्वत इटली में है। इटली में है, ठीक है। अच्छा रॉकी पर्वत कहाँ है? रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। और एंडीज पर्वत कहाँ है? एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका। एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। अच्छा एक है अल्पस पर्वत। अल्पस पर्वत कहाँ है? यूरोप। एक है यूराल पर्वत, यूरोप और एशिया। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया। तो ड्रैंकेन्सबर्ग पर्वत कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका। चार, तीन नंबर, मुख्यालय बताना है कौन सा मिलान गलत है? WHO जनेवा सही है, विश्व बैंक जनेवा। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC हो जाएगा विश्व बैंक का मुख्यालय। रेड क्रॉस जनेवा, यूनेस्को पेरिस। यूनेस्को पेरिस, अच्छा ILO का मुख्यालय जनेवा, और FAO का मुख्यालय रोम, SAARC का मुख्यालय काठमांडू। SAARC का मुख्यालय काठमांडू। UNEP का मुख्यालय नैरोबी। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क।
यूनेस्को का मुख्यालय, ग्रीस, और यूनिसेफ का मुख्यालय, मुख्यालय न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, और यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय भी कहाँ है? न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है न्यूयॉर्क। तो विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी, दो नंबर गलत हो जाए, दो नंबर गलत। चलिए आगे, मिलान गलत है। मंडला कौंसिल मध्य प्रदेश, पाकोई अरुणाचल प्रदेश, कालेश्वर महाराष्ट्र, चंद्र परवराष्ट्री बिहार उत्तर प्रदेश। कौन? कालेश्वर। कहाँ है कालेश्वर? हैं, कालेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में शायद है, देखिए तो। कालेश्वर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे आते, सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? छत्तीसगढ़। सर्वाधिक कोयला का उत्पादक आपका छत्तीसगढ़, लेकिन सर्वाधिक कोयला का भंडार वाला राज्य झारखंड। अब विश्व में भंडार में अमेरिका, अब विश्व में उत्पादन में चीन। किसने यह अवलोकन किया है कि गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में कुल गैस दाब अलग अलग गैस के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर दो, एक तत्व की परमाणु संख्या डॉट डॉट से निर्धारित होती है। परमाणु संख्या किससे निर्धारित होता है? तो प्रोटॉन की संख्या से। परमाणु संख्या का निर्धारण परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, चार नंबर। इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन बदल सकता है। परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, और द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या जगह पर परमाणु संख्या जेड प्लस एन। तो एन बराबर हो जाएगा ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, ये होता है। परमाणु संख्या खोज किया था मोसले, मोसले ने खोज किया था परमाणु संख्या का खोज, मोसले ने किया था, मोसले परमाणु संख्या का खोज किया मोसले, ठीक ने, याद रखिएगा। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? भिन्न परमाणिक क्रमांक, आइसोटोप, समान परमाणु क्रमांक होना चाहिए, एक जैसी परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न परमाणु भार, तीन नंबर, तीन नंबर हो जाएगा। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या अलग अलग। रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? ब्रेस्ट लिस्टोवर्स की संधि, 1918 में हुआ था ये संधि, यानी रूस 1918 में अलग हो गया था। ध्वनि का वेग सबसे तेज किस में है? स्टील में, स्टील में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, स्टील में सबसे ज़्यादा है ध्वनि का वेग। कालाजार रोग किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा, प्रोटोजोआ, कालाजार। एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि स्थिर रहता है? त्वरण, त्वरण और चाल, चाल भी स्थिर रहता है, त्वरण। आत्म पाचन के पश्चात अवशोषण वसा का वहन किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा।
वसा का अवशोषण करता है रुधिर, अवशोषण करने का काम करता है रक्त, रक्त काम करता है। किरण रिजिजू ने भारतीय संविधान के पहले संस्करण का विमोचन किस भाषा में किया? डोगरी भाषा में, डोगरी भाषा में हो जाएगा, डोगरी भाषा। केरल का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत सूर्यांशु कहां पर लॉन्च किया गया? कोची में, कोची में, दो नंबर, कोची में हो जाएगा। हाल ही में किसने कंपाला में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? कौन? एस जयशंकर, एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर दो। डॉक्टर एस जयशंकर ने अप्रैल 2023 में किस देश में पुंजी पुल का उद्घाटन किया है? मोजाम्बिक, एक नंबर, मोजाम्बिक हो जाएगा, एक नंबर। फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार है? कर्नाटक को, कर्नाटक। किस सरकार ने खेल संस्कृति और पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान शुरू किया है? केरल, केरल शुरू किया है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ होगा? फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। कोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है? नंदिनी दास, कोर्टिंग इंडिया नंदिनी दास। जनवरी 2024 को एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बी आर कंपोज, बी आर कंपोज जी को। केंद्रीय साक्षरता आयोग ने नए साक्षरता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया है? ए एस राजीव, चार नंबर, ए एस राजीव। किस देश ने लकड़ी के बने सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी किया है? जापान, जापान। हाल ही में समाचारों में देखी गई एक्सरसाइज दोस्ती में निम्नलिखित में से किस देश ने भाग लिया है? भारत, श्रीलंका, मालदीव, दो नंबर, दो नंबर, दो नंबर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है कहाँ? ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, चार नंबर, ग्रेटर नोएडा। चलिए, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना की जाएगी कहां पर? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? कोलंबो, श्रीलंका के कोलंबो में, श्रीलंका के कोलंबो में। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे? महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। यहाँ से मैथ है, बनाए थे 93 का, कितना था आंसर? 12%, दो नंबर। 94 सी नंबर, 6। 95, 95 का दो नंबर, 5। 96, 4। 97, 97 का कितना? 4।
चार नंबर, 97 4 नंबर, 98 98 का कितना, 150√3 सी नंबर, 99 ए 100, 100 का कितना, 2 नंबर। चलिए टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थोड़ा आज पीडीएफ भेजने में टेलीग्राम पर लेट हो गया, तो आप लोग रेगुलर आपका देखिए, जुड़िए, अपना नंबर कमेंट में दीजिए कितना नंबर आपका सही आया है, समझ गए हैं कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना नंबर आया है। एक क्वेश्चन पर 2 नंबर और 4 गलती पर 1 नंबर कटता है, ठीक है, रहने दीजिए।